दोस्तों डायरेक्टर ओम रावत द्वारा डायरेक्टर मूवी आदि पुरुष, जिसे 16 जून 2023 को रिलीज किया गया था, का आज पूरे 5 दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो आखिर आदि पुरुष ने आज कितना कलेक्शन किया, आइए जानते हैं। देखिए, आदि पुरुष एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है जो कि भारतीय ग्रंथ रामायण पर आधारित है। हालांकि आदि पुरुष को लेकर पूरे भारतवर्ष में विवाद है। यहां तक नेपाल में आदि पुरुष को रिलीज होने से पहले बैन कर दिया गया है और इसके वजह से आगे आने वाली सभी इंडियन मूवी को भी बैन कर दिया जाएगा। वजह बताया जा रहा है कि आदि पुरुष में सीता जी का डायलॉग "मैं भारत की पुत्री हूँ" से नेपाल को भावनात्मक चोट पहुँची है, क्योंकि सीता मिथिला में जन्म ली थी, जिसे अब जनकपुर से जाना जाता है और ये जगह नेपाल में है। आदि पुरुष का चौथे दिन 65% कलेक्शन फ्राइडे के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर ड्रॉप हो गया, जिससे मूवी के कलेक्शन में बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला और मूवी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर मात्र 35 करोड़ के कलेक्शन में सिमट कर रह गई। आदि पुरुष ने टोटल 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड 375 करोड़ रुपए का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और अपने पहले वीकेंड में 300 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली 5वीं फिल्म बन गई। अगर इस मूवी को ढंग से बनाया गया होता तो मूवी लगभग 2000 करोड़ कमा सकती थी। खैर, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स में दीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।